बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाहिदा और आप सब लोग देख रहे हैं मुझे लंदन से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ से भी जा रही है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, उनको दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज का व्लॉग है मेरी चैरिटी के बारे में, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। मैंने इस चैरिटी का आगाज़ किया था 2015 में, और 2015 में मैंने पर्सनली तौर पे इस चीज़ का आगाज़ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाई है कि मैं ये छोटी सी जो चैरिटी है वो अपने बलबूते पर इसको चलाऊं। और मैंने 2015 में एक वाटर कूलर लगवाया था जो माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है, और मेरी जो सिस्टर हैं वो कहरोड पक्के में रहती हैं, उनके जो फादर इन लॉ है वो उस वाटर कूलर की बड़े अच्छे से हिफाजत करते हैं, और उस वाटर कूलर से जो भी मुसाफिर हैं, जो भी लोग हैं जो बेचारे बर्फ़ अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो होती है ना गर्मियां ही होती हैं, तो वो वहाँ से फिर जाते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, जिन लोगों ने नमाज़ नहीं भी पढ़नी वो भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। ज़ाहिर है जब सोचते हैं कि मस्जिद में आ गए हैं तो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और साथ में ही वो पानी पीते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। सदका जारिया मैंने इससे इस चैरिटी का आगाज़ किया था। इस चैरिटी में मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, ओबियसली उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और उसके साथ साथ मेरी सिस्टर हैं, उनके खामन हैं, और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो हैं शामिल। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हमने इस दफ़ा 100 पूरे लोगों को खाना खिलाया है एक महीने के लिए, 100 लोगों को जी। तो ये जो फुटेजेस आपको दिखाई जा रही हैं वो ये आसान काम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो बैग्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं गरीबों के लिए, इतनी गर्मी में जहाँ पर हम लोग एसी के अंदर बैठे होते हैं आराम से सुकून से, और वहाँ पर मेरी सिस्टर अपने बरामदे में इतनी गर्मी में बैठी हैं माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पर जो उनकी काम वाली है और भी काफ़ी सारी औरतें आ जाती हैं जो मिल के उनकी हेल्प करती हैं, और यहाँ पर बैग्स बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह से। जो आपको फुटेजेस पहले में नज़र आई थी सारी की सारी, वो 50 जो पीपल थे, 50 फैमिलीज़ को माशाल्लाह से हमने एक पूरे महीने का राशन दिया है, और राशन भी भरपूर तरीके से दिया है, जिसमें हमने 10 किलो का आटा शामिल किया है, और किलो किलो की दालें हैं, किलो के चने हैं, और 2 किलो के जो है ना वो मीठा शुगर है, क्योंकि बाजी ने बताया था कि ये गरीब लोग हैं और ये लोग मीठा पानी पी कर साथ में रोटी खा लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह का बहुत लाख दफ़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाई है कि मैं इन लोगों की जो है ना मदद कर सकूं। ज़ाहिर है मैं सब लोगों की मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन ये छोटी सी नेकी है, थोड़े से लोगों की हमने हेल्प की है, और आप थोड़े से लोगों से स्टार्ट करें इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिलता है। ये देखिए ये कितना हार्ड वर्क है, यह यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, पूरे बैग्स बना दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से और इनको अरेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो कारी साहब हैं, मौलवी साहब, उनको बुलाया जाता है और उन लोगों के लिए दुआ करवाई जाती है जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप 1 भी पाउंड दें, 5 पाउंड दें, 10 पाउंड दें, हर किसी को बराबर का सवाब मिलेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों ने इस कार्य खैर में मेरे साथ हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी रिज्क में बरकत अता फरमाए, उनकी औलाद को नेक और सालिया बनाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनकी तकालीफ को दूर फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको अपने शिने इशाने करीमी से दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारी बहनें हैं जो बहुत ही इज्जतदार बहनें हैं जो आई हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह पर बिठा दिया जाता है, और दुआ के बाद ये जो खाना है ना वो जो बाजी हैं वो फूड पैक्स लोगों में तकसीम कर रही हैं। और ये जो काम मेरी सिस्टर कर रही हैं माशाल्लाह से मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकती हूँ, ये इतना हार्ड काम है कि बहुत ज़्यादा वो पहले पूरी लिस्ट बनाती हैं इलाके की, और इलाके में उन लोगों को खाना दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हकदार हैं, जो यतीम हैं बच्चे, जिनकी जो बेवाएँ हैं, उनके खामन नहीं हैं, जो
बहुत ही ज़्यादा लाचार हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जो कमा नहीं सकती, उनके लिए ये खाना दिया जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह से भी आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हमारे हमें खाना दीजिए, क्योंकि हालांकि उनके बच्चे भी कमा रहे होते हैं। तो ये काम बाजी का है और उनके ससुर का है। उनका ससुर इस पूरे इलाके को जानते हैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि सालों से रह रहे हैं वहाँ पर। तो वो देखते हैं कि कौन कौन जो बंदा है वो हकदार है, उसको खाना दिया जाता है। और माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना दिया जाता है, इसमें भरपूर तरीके से जी इतना अच्छा यहाँ पर जो पैक बनाया जाता है, जो एक जो ना फैमिली है वो आराम से 1 महीने में बैठकर खाना खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी सिस्टर की, उनके हस्बैंड की और उनके ससुर की, जो कि खुश होकर इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। आप खुद देख लें कि ये कितना हार्ड वर्क है, और किसको आजकल कौन किसी की हेल्प करता है, और इतनी गर्मी में कौन बैठता है। माशाल्लाह से ये मेरी सिस्टर की जो है ना, वो दिल से वो इस काम और इस कार्य खैर में हिस्सा लेती हैं, और बिल्कुल भी वो मुझे नहीं कहती कि ज़ाहिदा मैंने काम नहीं करना ना, क्योंकि वो माशाल्लाह से मुझे शुक्रिया अदा करती हैं, मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि आप भी नेक काम कर रही हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी इस अच्छे और नेक काम में मुझे भी शामिल कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर की इसकी वजह से मेरी सिस्टर जो है ना माशाल्लाह से लास्ट लास्ट ईयर गई थी उमरा करके आई हैं। उनके ससुर उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया है। तो ये सारी बरकतें और रहमतें आपको पता नहीं चलता कि किस तरफ से अल्लाह ताला आपको अदा करता है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आप उम्मीद करती हूँ कि आप इंस्पायर होंगे इस वीडियो से, और आप भी अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को देखें, उनकी मदद करें, और इसमें ही सुकून है जी। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने 50 पीपल का जो खाना था वो हम लोगों ने दे दिया है। अब ये जो है ना 50 और लोग हैं जिनका खाना पैक हो रहा है। ये देखें यहाँ पर शुगर जो पड़ी है वो पैकिंग कर रहे हैं। इस दफ़ा दुकान वाले कहते हैं कि हमने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना है, हमें भी आप मौका दीजिए कि हमारी तरफ से भी थोड़ा सा जो हेल्प हो जाए लोगों की। तो इस दफ़ा बाजी ने ये सारी पैकिंग नहीं की, इस दफ़ा दुकान वालों ने उनके लिए पैकिंग की है। ये देखें ये सारे जो थैले हैं ये सारे हमारी जो चैरिटी है उसके लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आटा नज़र आ रहा है वो भी उनके लिए है। तो ये किलो किलो दो दो किलो की जो चीनी है वो रखेंगे, साथ में दालें हैं किलो किलो के पैक्स, और साथ में 10 किलो का जो आटा है वो जाएगा माशाल्लाह से। तो ये जो भाई हैं ये कह रहे थे कि हम लोगों ने खुद पैकिंग करनी है। और आपको ये मराहल दिखाने का मकसद ये है कि इतना आसान काम नहीं है। हम लोग तो पैसे इकट्ठे करते हैं और पाकिस्तान में भेज देते हैं, और पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत हार्ड काम कर रहे हैं। मैंने सोचा इस दफ़ा आप लोगों को ये सारे मराहल भी दिखा देंगे कि कौन कौन से मरहले से गुजर कर हम इस काबिल होते हैं कि हम गरीबों की मदद कर सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में मिलकर हमारी एक सिस्टर हैं जो कि लाहौर में एक चैरिटी चलाती हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने मस्जिद बनाई थी। धनोट इलाका है वो भी भावलपुर के एरिया के पास पास ही है। मैं एक बात बताती चलूँ कि मैं इस एरिया में काम क्यों करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना ये बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से इनका गुजर बसर होता है। इनकी औरतें जो है ना वो खेतों में काम करती हैं और गुजर बसर करती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में काम करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने माशाल्लाह से एक एरिया धनोट का है जिसमें हम लोगों ने मस्जिद बनवाई है। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच मस्जिद बनवाई थी, और अल्लाह ताला ने इस बात की मुझे तौफीक अता फरमाई है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने वाटर कूलर भी लगवाए हैं। पाकिस्तान में काफ़ी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और मदरसों में लगाए हैं जहाँ पर बच्चे जो है ना कुरान पाक हिफ्ज करते हैं और पानी पीते हैं, और उसका सारा सवाब जो है ना वो आपको जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों को मुझे ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मैं ये काम कर सकूं। अब यहाँ पर ये देखें ये सारे के सारे बैग्स और ऑयल के और आटे के, और ये सारे पहले उन लोगों ने पैकिंग की है, और अब यहाँ पर आकर ये देखें पूरा रिक्शा भर कर आया है, और ये सारी के सारे खाना जो है ना अंदर रखाया जा रहा है। पहले ये अंदर रखेंगे, इसके बाद इसकी पैकिंग होगी।
पैकिंग होने के बाद फिर औरतों को इकट्ठा किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से लोगों के नाम रजिस्टर किए जाएंगे। जिन लोगों ने पहले ले लिया है खाना उन लोगों को खाना नहीं दिया जाता, जो नेक्स्ट नए लोग आते हैं उनको फिर खाना दिया जाता है। जी व्यूअर्स, जो सबसे पहले मरला होता है वो यही होता है, पैकिंग होती है दुकानों में, और दुकान से पैकिंग होके यहाँ पर सामान लेके आया जाता है रिक्शे पर, और यहाँ पर सामान अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है एक साइड पे साफ़ सुथरी जगह पर, और उसके बाद फिर इसकी पैकिंग होती है और जो पैक्स बनाए जाते हैं पूरी एक फैमिली के लिए, जो एक प्रॉपर खाना होता है वो 1 महीने का, और उसके बाद फिर बाजी अपनी निगरानी में इसको बाहर लगवाती है खाने को, और बाहर लगवा कर फिर इस यहाँ पर मौलवी साहब को बुलाया जाता है। ये दूसरा मरहला है, पहले हमने 50 लोगों को खाना दे दिया है, अब ये दूसरा मरहला है, दूसरे जो 50 लोग हैं उनके लिए अरेंजमेंट की जा रही हैं, और आप दुआ सुन लें, मौलवी साहब दुआ कर रहे हैं जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है उनके लिए। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مالك مولا تمام عالم الإسلام فرما تمام مسلمان في فاض الصلاة تمام مسلمانوں کی نیک ارادوں کو پورا فرما تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما آنے والی اچانک مصیبت پریشانی سے معافی فرما مالک مولا تمام مسلمانوں کے قوم میں خیر و برکت عطا فرما بالخصوص اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما اس کی حلال وسیع عطا فرما مالی جانی عزت عطا فرما مالک مولا بالخصوص ہمارے بھائی نے جو اقتدام کیا ہے اپنے ساتھ ہم نے قبول فرما اس کے مال میں ہم سن کاروبار میں برکت عطا فرما مالک مولا ان نصیحت و اصل درستی عطا فرما جو بھی تکلیف اپنے قدروں پر سے اجتماع مقدس کے صدقے سے مالک مولا حال پر اپنے رحم و کرم فرما زیادہ سے زیادہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما اس دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مزید ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما مالک مولا جس طرح بھائی کا ہوا ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش کو قبول فرما ان کی خدمت کو قبول فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے بچوں کو نیک بنا بالخصوص علی کو حافظ قرآن بنائے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا سب کا آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے درجات بلند فرما اپنا خاص فضل و کرم فرما اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اس کی برکتوں سے مالک مولا ہمارے حال پر اپنا رحم و کرم فرما بالخصوص مالک مولا خالق کائنات کے بغیر رسول اور تمام مسلمانوں کو بار بار حج عمرہ کی ساتھ سے نصیب فرما اپنا خاص فضل و کرم فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وآلہ بیتہ وآصحابہ जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर मेरे साथ हिस्सा लें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बहुत सारी हमारी इज़्ज़तदार औरतें हैं जो चाहती हैं कि हम तस्वीरें नहीं बनानी, हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपना चेहरा ढक सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहनों की तस्वीरें बनाने की, हम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और ये थी मेरी छोटी सी कावश, बहुत छोटी सी नेकी है जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाई है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी छोटी सी कोशिश, और इंशाल्लाह ताला और भी अच्छी और मोटिवेटेड वीडियोस इस तरह की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगेन मैं एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन फ्रेंड्स का जो कि यहाँ यूके से हैं, और हमारे जो हमारे जो अपने बहन भाई हैं पाकिस्तान में, उनका दर्द महसूस करती हैं और उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझती हैं, और इस कार्य खैर में मेरे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और हमें और भी ज़्यादा लोगों की गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।